बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इडम साहिबा की आज एग्ज़िबिशन देखी जो मैं समझती हूँ कि खुद मेरे अपने नॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इन्होंने बहुत सी नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को तस्वीरों के ज़रिए उजागर किया है और मेरा ख्याल है कि अगर ये इसी तरह से मेहनत करेंगी तो पूरी दुनिया के अंदर अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगी इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरम बतूल है और मैंने आर्ट और हिस्ट्री दोनों को कंबाइन करते हुए इस चीज़ों को दिखाया है कि जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे होते हैं उसके पीछे दर हकीकत बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो छुपा दी जाती हैं। इसी तरह से मैंने उन चीज़ों को फोकस किया है कि हमें अपनी नसल दर नसल हिस्ट्री के साथ साथ हमें चलना चाहिए, हमें पढ़नी चाहिए हिस्ट्री और उस हिस्ट्री को, क्योंकि ये एक मैंने जो मेरा काम है बेसिकली उसका कंसेप्ट ये है कि मैंने हिस्ट्री को पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर मैंने सेव किया है कि कुछ लोग अपने नाम के लिए ज़िंदा रहते हैं और कुछ लोग सिर्फ काम करते हैं तो उनका नाम बन जाता है। यही कंसेप्ट है मेरे काम का और इसी तरह से मैं अपने काम को आगे लेके चली हूँ। अब जैसे कि हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे फॉल्स आते हैं जो हमें बताए ही नहीं जाते और हमारे पद तक पहुँचती नहीं है, ये चीज़ें रिसर्च की बेस के ऊपर हमें मिल सकती हैं। तो इस वजह से मैंने जैसे हज्जाज बिन यूसुफ है उसको हमें आज तक एज अ हीरो बताया गया, लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ ने जो यहाँ पर अपने भांजे को भेजा था उसका बेसिक कंसेप्ट क्या था, उसके पीछे क्या लॉजिक थी, हम नहीं जानते। तो इस तरह से जब ये चीज़ें रिसर्च करने लगते हैं तो उसी तरह से हम लोग आगे बात की तह तक पहुँचते हैं। इसी वजह से मैंने जो बेसिक कंसेप्ट लिया है वो सारे का सारा यही है मेरी काम का थीम कि हम चीज़ों का एक पहलू देख लेते हैं और जबकि दूसरा पहलू जो है उसको छुपा देते हैं। तो इसी चीज़ काम को मैंने आगे लेके चली हूँ और इसी तरह से मैंने कुछ पाकिस्तान की फेमस पर्सनैलिटीज़ और ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे इब्ने बतूता हो गए, मूसा अल-ख्वारज़्मी हो गए, इनके पोर्ट्रेट्स किए और यही माशाल्लाह मेरा काम है। पंजाब आर्ट काउंसिल रावलपिंडी की तरफ से तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। आज की ये नुमाइश मुसव्वरी की ये नुमाइश है इरम बतूल गिलानी साहिबा की, तो यहाँ पे पहली दफ़ा नुमाइश कर रही हैं और कोरोना की वजह से क्योंकि तमाम एक्टिविटीज़ सस्पेंडेड हुई हुई हैं तो आर्ट काउंसिल ने अपनी ऑनलाइन सरगर्मियों का आगाज़ किया है। आज की हमारी मेहमान खसूसी मेंबर पंजाब असम्बली मोहतरमा आपदा साहिबा हैं, हम उनको आर्ट गैली में खुश आमदीद कहते हैं। मेहमानों को वेलकम करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डायरेक्टर आर्ट काउंसिल वकार साहब से कि वो आएँ और मेहमान खसूसी का शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा आपदा राजा साहिबा, इरम गिलानी साहिबा और जितने भी हाज़रीन हैं, आज हमारा ऑनलाइन, जब से ये कोरोना अभी सेकेंड वेव शुरू हुई है हमारा ये पहला प्रोग्राम है ऑनलाइन, तो अब इंशाल्लाह आइंदा भी इसके साथ साथ हम करते रहेंगे। ये यकीनन अल्लाह ताला हम सब को इस वबा से निजात दे और ये अल्लाह करे कि जल्दी ख़त्म हो जाए, उसके बाद इसी तरह बारौनक तरीके से जैसे हम पहले आर्ट्स काउंसिल के प्रोग्राम करते थे उसी तरह करते रहेंगे। आज की इस नुमाइश के हवाले से मेरा ख्याल इरम साहब का काम देख के ऐसे पता चला जैसे ये फ़ाइन आर्ट्स की और कम है और हिस्ट्री की ज़्यादा स्टूडेंट है। एक अच्छा यूनिक सी एग्जीबिशन है, अच्छा काम है इनका, इनका काम बोल रहा है कि ये इन्होंने किस मकसद के लिए पेंट किया और इसमें क्या क्या पेंट किया। मैं इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी एग्जीबिशन हमें दी। आज की मेहमान खसूसी मोहतरमा आपदा राजा साहिबा मेंबर पंजाब असम्बली का मशकूर हूँ कि बड़े शॉर्ट टाइम में उन्होंने इन हालात के बावजूद हमें टाइम दिया। रोड के हालात आपको पता है कि वो इसके बावजूद तशरीफ़ लाई, उनका तहे दिल से मशकूर हूँ, आप सबका मशकूर हूँ और अल्लाह करे कि इरम साहिबा का काम दिन ब दिन इससे ज़्यादा अच्छा होता जाए और वो दिन रात तरक्की की राय तरक्की की मनाजिल तय करता रहे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा अपनी मेहमान खसूसी मेंबर पंजाब असम्बली मोहतरमा आपदा राजा साहिबा से कि वो आएँ और आज की नुमाइश के हवाले से इजहार ख्याल करें। मोहतरमा आपदा राजा साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी नाहिद साहिबा
जिन्होंने आर्ट्स काउंसिल में स्टार्ट किया था, तब मैं बड़ी छोटी सी होती थी, शायद मेरी शक्ल उनको भूल गई होगी, लेकिन मेरी रात को उनसे फ़ोन पे बात हुई तो मैंने उनको याद करवाया कि मैं तो, क्योंकि मैं सारी एजुकेशन जो है वो पिंडी की है, गवर्नमेंट कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया था, बास्केटबॉल खेलती थी तो, और वैसे भी आर्ट्स यहाँ पे आना जाना मेरा रहता था, प्रॉपर नहीं आती थी क्योंकि मैं बास्केटबॉल की पाकिस्तान लेवल पे प्लेयर थी तो मुझे इतना टाइम नहीं होता था, लेकिन मैं आती रहती थी। और वकास साहब आपका बहुत शुक्रिया, और स्पेशली आज मैं मुबारकबाद दूँगी हमारी जो आज की आर्टिस्ट हैं इरम साहिबा, कि मेरे ख्याल में ये हमारे इस मुल्क का एक असासा है, इरम साहिबा और इन जैसे तमाम आर्टिस्ट हमारे मुल्क का एक असासा है। मैंने अभी जब इतनी डिटेल से इरम साहिबा ने मुझे बताई, आर्ट गैलरी में तो हम जाते रहते हैं, मैं पिछले दिनों भी मरीब में भी गई थी आर्ट्स काउंसिल में, वहाँ भी एग्जीबिशन थी, लेकिन मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ इरम साहिबा से कि जितना डिटेल से इन्होंने बताया, कि जिस तरह से इन्होंने अपनी तस्वीरों में हिस्ट्री को जिस तरह से उजागर किया है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इन्होंने कहा कि कायदे आज़म की लेट्स पोज हमने तस्वीर देखी, उसमें ये कहा कि उनका निकाह नामा भी इन्होंने मेंशन किया, उसके अंदर ऐड किया, और उसमें बताया कि जब इनके ऊपर नेगेटिव चीज़ें किया करती थी लोग, जो अपोजिशन होती थी ऑफ कोर्स कि वो पाकिस्तान के अंदर कायदे आज़म के ऊपर भी तनकीद करते थे, तो उसके अंदर एक तनकीद ये भी थी कि उनका निकाह नहीं हुआ हुआ, तो इन्होंने उसको भी मेंशन किया। आर्टिस्ट जो होता है वो इतना सेंसिटिव होता है, और ऐसी ऐसी माशरे की चीज़ें जो छुपी होती हैं उनको सामने लाता है, तो आर्ट जो है वो मैं समझती हूँ कि तमाम जितने आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो पेंटिंग के हों या दूसरे आर्टिस्ट हैं, हर किस्म के आर्टिस्ट, वो किसी भी कौम का सरमाया होते हैं, और वो हमारे एम्बेसडर भी होते हैं जब वो बाहर जाते हैं, बाहर के मुल्कों में जाते हैं। अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला इरम साहिबा कल पाकिस्तान से बाहर जाती हैं तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री को भी वहाँ पे जाके उजागर करेंगी, ये पाकिस्तान के जो जो भी पॉजिटिव एक फेस है उसको भी आगे पूरी दुनिया के आगे जाके इंशाल्लाह ताला उजागर करेंगे। और मैं वसूख के साथ कहती हूँ, क्योंकि जो एक सियासतदान होता है उसकी एक दूर तक नज़र होती है, उसके अंदर एक पहचान होती है लोगों की, तो मैं अपने तजर्बे से ये वसूख के साथ कहती हूँ कि इरम साहिबा इसी तरह से मेहनत करती रहें तो इंशाल्लाह ताला पूरे मुल्क नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छा नाम ये पैदा कर लेंगी, ना सिर्फ अपना अच्छा नाम पैदा करेंगी बल्कि इस मुल्क का एक अच्छा नाम पैदा करेंगी। तो हम जितने भी सियासत में लोग हैं और तमाम लोग, मैं समझती हूँ कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आर्टिस्ट जितने इनको प्रमोट करें। अब वो जो थिएटर था, जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती थी, वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। आजकल तो ये है कि हम एक कोरोना की ज़द के अंदर आए हैं और वो पूरी दुनिया के अंदर है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है कि जिस तरीके से हमारा एक मुल्क गरीब मुल्क है, जिस तरीके से यहाँ पे तबाही शायद के हो जाती अगर हम जो सोचते हैं वो हुआ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी हम बहुत से शायद मुल्कों से बेहतर हैं कि हमारे ऊपर फिर भी अल्लाह का करम है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो हम दोबारा से हमारी रौनकें बहाल होंगी, दोबारा से यहाँ पे भी उसी तरह से एक्टिविटीज़ हुआ कि करेंगे जिस तरह से होती थी, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि पूरे मुल्क के अंदर। और हम हुकूमती लोग जितने भी हैं, ये हुकूमत का वैसे भी फोकस है कि हम आर्ट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ।